नमस्कार दोस्तों, अब मैं आपको दिल्ली चंडीगढ़ एक्सप्रेसवे के अपडेट के बारे में बताने वाला हूँ। यह दिल्ली चंडीगढ़ एक्सप्रेसवे दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे का हिस्सा होगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने 4,000 करोड़ रुपए की परियोजना को आगे बढ़ा दिया है, जो दिल्ली से चंडीगढ़ तक की यात्रा के समय को 2 घंटे के भीतर काट देगा। यह परियोजना आगामी दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे के एक हिस्से के रूप में भरतमाला परियोजना के तहत आती है और लंबे समय से अधिकारियों द्वारा संकेत दिया गया था। दिल्ली अमृतसर और कटरा के बीच बेहतर संपर्क प्रदान करने के लिए 670 किमी के ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है। एक बार बनने के बाद एक्सप्रेसवे लुधियाना, जलंधर, गुरदासपुर और जम्मू जैसे स्थानों को भी जोड़ देगा। प्रवक्ता ने कहा, प्रस्तावित कनेक्टिविटी के साथ चंडीगढ़ अमृतसर के बीच यात्रा का समय 4 घंटे के वर्तमान यात्रा समय की तुलना में 2 घंटे कम हो जाएगा। दिल्ली से चंडीगढ़ जाने में सिर्फ 2 घंटे लगेंगे, दिल्ली से मनाली में 8 घंटे और दिल्ली से अमृतसर में 4 घंटे और चंडीगढ़ से अमृतसर में 2 घंटे, जबकि पहले दिल्ली से चंडीगढ़ जाने में लगते थे 5 घंटे, दिल्ली से मनाली में 14 घंटे, दिल्ली से अमृतसर में 8 घंटे और चंडीगढ़ से अमृतसर में 4 घंटे। धन्यवाद। और अपडेट्स पाने के लिए मेरे चैनल लर्निंग विद तरुण को सब्सक्राइब करें।